को हम लोग देखते हैं हमेशा भगवान के चरणों का संवाहन करते हैं। चरण दबाती रहती है। इसी से सिद्ध होता है कि ये भगवान के चरणों में रहना चाहती है। जहाँ भीड़ है भृत्य जुष्टम, भगवान के सारे भक्त भगवान के चरणों में रहते हैं, फिर भी लक्ष्मी जी उस भीड़ में जा कर के रहना चाहते हैं, चरण में रहना चाहते हैं। पृथ्वी महाराज ने तो भगवान से अभी कह दिया कि हे प्रभु, लक्ष्मी जी को मना कर दीजिए, ये हम भक्तों के अधिकार को लेना चाहती हैं, इनसे झगड़ा हो जाएगा, झगड़ा हो रहा है, तो हमें विश्वास है कि आप भक्तों का पक्ष लेंगे। लक्ष्मी जी का पक्ष नहीं लेंगे। चरण भृत्य जुष्ट, भृत्य सेवक, भगवान के दास, भगवान के भक्त जन चरण में रहते हैं। ये बहुत होड़ लगी है, कौन कहाँ रहे, गोपी जन भगवान के मुख पर रहते हैं, वो उनकी सुंदरता को देखते रहते हैं। लक्ष्मी जी बक्षस्थल पर रहते, भगवान ने ही बांट दिया है, तुम यहाँ रहो तुम यहाँ रहो, लेकिन फिर भी लक्ष्मी जी ये जबरदस्ती करती है, मैं चरण में रहूँगी। सरंगारम पदाम्बुजम, पर वो स्थान वास्तव में भक्तों का है। जो भगवान का कीर्तन करते रहते हैं उनको सारंग कहते हैं। सारंग गायती इति सारंग, सार भगवान नाम जस रूप आदि का कीर्तन करते रहते हैं। वे अधिकारी हैं भगवान के चरणों के, पर ऐसे भक्तों की भीड़ में भी श्री लक्ष्मी जी अपना स्थान बनाना चाहती हैं। इसका भावार्थ है कि लक्ष्मी जी हमेशा भक्तों से प्रेम करती हैं। जो भगवान के रूप लीला आदि को गाते रहते हैं, नाम को गाते रहते हैं, उनसे लक्ष्मी जी को बड़ा प्रेम है। इसलिए ये देखा गया है कि भगवान का कीर्तन करने वाले भक्त, भगवान की कथा करने वाले कभी दरिद्र नहीं होते हैं, लक्ष्मी की कृपा उन पर बरसती रहती है। और भ्रमर गीत में राधा रानी तो ये भी कहती है कि इस पद्मा को क्या हो गया है, ये क्यों कृष्ण से इतना प्रेम करती है। निश्चित ही इसके चित्त को मधुर मधुर बातों से श्याम सुंदर हर लिए है, ये चक्कर में पड़ी हुई है,
श्री जत पदाम्बुज रजस चकमे तुलस्या लब्ध्वा विवक्षसि पदम कलभृत ज्येष्ठम जस्या सुवीक्षण कृतन्य सुर प्रयास तद्वत वयम चौ पादय तद्वत लक्ष्मी व जैसे लक्ष्मी जी चरणों में रहना चाहती हैं वैसे हम भी तद्वत लक्ष्मी जी के समान आपके चरण रज की दासी हैं प्रपन्न हैं हमें स्वीकार कीजिए हमें ठुकराइए मत। लक्ष्मी जी तो बहुत दूर की हैं वो तो बैकुंठ में रहते हैं उनका कोई अधिकार नहीं है फिर भी मैं आपके चरणों में रहना चाहती हूँ। तो लक्ष्मी जी को ही आदर्श मान करके हम भी तद्वत उनके समान तो पादरज प्रपन्ना आपके चरणों की धूलि की शरण ली है। इसलिए आप हम पर प्रसन्न होइए और हमें स्वीकार कीजिए। हम आपसे ये प्रार्थना नहीं कर रहे हैं कि आप हमको पत्नी बना लीजिए नहीं नहीं हमें दासी बना लीजिए दासी बनने का हमारा हक है तो हमारे इस अधिकार को मत छीनिए हमारा अधिकार हमारे पास रहने दीजिए। पुरुष भूषण देह दास्य हमें अपना दास्य दीजिए हमें सेवा का अवसर दीजिए। हरे कृष्ण जय श्री प्रभुपाद।